इस्तेमाल होता है, यानी कि वजह मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, Why did you not attend the party last night? तुमने जो है वो कल रात जो है पार्टी अटेंड क्यों नहीं की। अब ये जो है ए जो है उससे वजह पूछ रहा है कि उसने जो है वो बी ने जो है पार्टी अटेंड क्यों नहीं की। तो वाई जो है वो रीज़न के लिए, वजह के लिए इस्तेमाल होता है। बी क्या जवाब देता है? बिकॉज आई वॉज सिक, क्योंकि मैं बीमार था। तो वजह क्या था, वजह क्या थी कि मैं बीमार था। तो जब कभी भी आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी मामले के बारे में उसकी वजह मालूम करनी हो, तो आप अपने सवालात को वाई से शुरू करेंगे। एक और मिसाल पर नज़र डालते हैं। वाई डिड यू लीव योर जॉब, तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। यहाँ पर ए जो है वो बी से क्या पूछ रहा है, वजह पूछ रहा है उसकी जॉब छोड़ने की। बी क्या जवाब देता है? बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन, मुझे जो है वो क्या हुआ, एक अच्छी जॉब यानी कि एक बेहतर जॉब जो है वो मिल गई, इसलिए मैंने जो अपनी पिछली जॉब छोड़ दी। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सवालात के अंदर वो वजह के बारे में मालूम करना चाह रहा है। कोई शख्स ए जो है वो वजह के बारे में मालूम करना चाह रहा है, तो उसने अपना सवाल किससे शुरू किया, वाई से। तो जब कभी भी आप किसी चीज़ के बारे में उसकी वजह जानना चाहते हो, तो आप अपने सवालात को वाई से शुरू करेंगे। अब हम नज़र डालते हैं वॉट पर। वॉट का इस्तेमाल जो है वो थिंग के लिए होता है, यानी कि चीज़ के लिए होता है। किसी भी चीज़ के लिए आप वॉट का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। बी, आई एम रीडिंग अ बुक। ए, व्हाट डिड यू बाय यस्टरडे फ्रॉम द मॉल, तुमने जो है वो कल मॉल से क्या चीज़ खरीदी। आई बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़, मैंने जो है एक नया जोड़ा जूतों का ख़रीदा। तो आप देख सकते हैं कि जब कभी आपको किसी चीज़ के बारे में मालूम करनी है, तो आप व्हाट से अपने जुमले को, अपने क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। अब हम नज़र डालते हैं विच। विच इज़ यूज़ फॉर चॉइस, विच का इस्तेमाल जो है वो चॉइस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि चुनने के लिए इस्तेमाल होता है। कि जब आप किसी से सवाल करना चाह रहे हो और उसके अंदर आपके सामने बहुत सी चीज़ें हों और उनमें कोई एक चीज़ चुनना चाहते हो आप, तो उसके लिए विच का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, विच ड्रेस डू यू लाइक। अब ए जो है वो बी से क्या पूछ रहा है कि तुम्हें कौन सा लिबास पसंद है। इनके सामने जो है, हो सकता है किसी शॉप पे खड़े हुए और इनके सामने जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेस रखे हुए हैं। तो अब जो है वो ए जो है वो बी से पूछ रहा है कि उसको कौन सा ड्रेस पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे चॉइस के लिए, कि यानी कि उसकी पसंद के लिए, कि वो उसको कौन सा समझ में आ रहा है, उसकी चॉइस में क्या समझ में आ रहा है उसको, तो उसके लिए वो अपना सवाल किससे शुरू करता है, विच से। अब बी इसको क्या जवाब देता है? आई लाइक द रेड वन, यानी मुझे जो है वो लाल वाला पसंद आ रहा है। तो यू आप देख सकते हैं कि आप जब कभी भी आप चॉइस के लिए, अपना चॉइस मालूम करने के लिए सवाल करेंगे, तो अपना उसके लिए आप सवाल कैसे शुरू करेंगे, विच से। एक और मिसाल पर नज़र डालते हैं। विच मोबाइल डू यू लाइक, तुमको कौन सा मोबाइल पसंद है। बी, नोकिया, यानी कि अब इसमें भी मोबाइल के अंदर भी चॉइस होती है मुख्तलिफ फ़ोन की। तो ए जो है वो बी से उसकी चॉइस के बारे में पूछ रहा है कि उसको कौन सा मोबाइल पसंद है, इसलिए वो अपना सवाल किससे शुरू कर रहा है, विच से। एक अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, वो ये कि बराए मेहरबानी इनके लफ्ज़ बलफ़ तर्जुमे पर मत जाएँ। वैसे इनका लफ्ज़ बलफ़ तर्जुमा आपको काफ़ी मदद दे सकता है, ठीक है, यानी कि विच का मतलब कौन सा, या व्हाट का मतलब क्या, या वाई का मतलब क्यों। लेकिन मैं फिर भी आपको यही बात कहूँगा कि बराए मेहरबानी इनके तर्जुमे से ज़्यादा इनके काम पर आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं। वैसे इनका तर्जुमा काफ़ी जो है वो मददगार साबित हो सकता है जुमले बनाने में। अब हम नज़र डालते हैं होम पर, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, हु का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, होम डिड यू गिव योर बुक्स, तुमने अपनी किताबें किसको दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम जो है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जुमले के। और बी क्या जवाब देता है इसका? आई गेव माई बुक्स टू असलम। तो होम डिड यू गिव योर बुक्स, आई गेव माई बुक्स टू असलम, तो मैंने किताबें किसको दी हैं, असलम को दी हैं। तो मैंने, अब ए जो है सवाल पूछ रहा है, तुमने किताबें किसको दी हैं, और मैं जवाब दे रहा हूँ मैंने अपनी किताबें किसको दी हैं, असलम को। तो आप ये देख सकते हैं कि असलम जो है वो क्या है, रिसीवर है। दूसरे जुमले में आप देख सकते हैं कि असलम को किताबें जा रही हैं, असलम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और देने वाला कौन है, यानी सब्जेक्ट क्या है इस जुमले का, आई सब्जेक्ट है, और गेव जो है वो वर्ब है, और माई बुक्स जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट क्या है, असलम। सो जब कभी भी हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मालूम करना होता है जुमले के अंदर, तो हम होम से जो है वो जुमला शुरू करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक बात और बताता चलूँ यहाँ पे, कि आम अंग्रेज़ी बोलचाल के अंदर हु भी इस्तेमाल हो सकता है होम की जगह पर, यानी कि ऐसे भी कहा जा सकता है, हु डिड यू गिव योर बुक्स, आई गेव माई बुक्स टू असलम। तो होम या हु दोनों इस्तेमाल होते हैं। एक और मिसाल पर नज़र डालते हैं। होम आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो।
आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप वही मैं बता रहा हूँ कि आप हु भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं हु आर यू टॉकिंग टू या हुम आर यू टॉकिंग टू, आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड। जहन में रखिए हुम जो है वो ऑब्जेक्ट मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है जुमले के। ओके, ये बात मेरे ख्याल में काफ़ी वाजह हो गई होगी, आप देख सकते हैं मिसालों को, आपको बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा इससे। अब हम नज़र डालते हैं हाउ पर। हाउ जो है वो तरीक़ेकार के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि मैनर के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई भी काम किस तरीके से होता है या हुआ। और हाउ जो है वो भी एक डब्ल्यू एच वर्ड है, लेकिन इसकी चीज़ आप देख सकते हैं कि पहले एच आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, फिर डब्ल्यू आ रहा है, तो ये मत समझिएगा कि ज़रूरी है कि पहले डब्ल्यू एच ही आना चाहिए, यानी पहले डब्ल्यू और फिर एच ओ। तो हाउ भी जो है वो क्या है, एक डब्ल्यू एच वर्ड ही है, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यू भी है और इसके अंदर एच भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर हाउ डिड ही प्ले लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते कैसा खेला। बी वेरी वेल, बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि ए जो है वो क्या मालूम करना चाह रहा है कि किस तरीके से उसने खेला, खेल किस तरीके से खेला गया, यानी उसने खेल किस तरीके से खेला, ये मालूम करना चाह रहा है कि वो मैनर किस मैनर से उसने खेल खेला। बी का जवाब देता है वेरी वेल, बहुत अच्छा। एक और मिसाल पर नज़र डालते हैं। हाउ डज़ ही ड्राइव अ कार, वो गाड़ी कैसे चलाता है। बी वेरी फास्ट, बहुत तेज़। तो आप देख सकते हैं इन दोनों जुमलों के अंदर आप मालूम करना चाहते हैं कोई काम किस तरीके से होता है, तो उसके लिए जब आप मालूम करना चाहें कि कोई भी काम किस तरीके से हुआ या होता है, तो आप अपने सवालात का आगाज़ किससे करेंगे, हाउ से करेंगे। हुज़, अब हम हुज़ पे नज़र डालेंगे। फॉर पोजेशन यानी कि मिल्कियत के लिए इस्तेमाल होता है, जब आप मालूम करना चाहें कि कोई चीज़ किसकी है, यानी कि आप ये मालूम करना चाहें कि किसी चीज़ का मालिक कौन है, तो आप अपने सवालात का आगाज़ किससे करेंगे, हुज़ से करेंगे। मिसाल के तौर पर Whose books are these, ये किताबें किसकी हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप किताबों के मालिक के बारे में पूछ रहे हैं कि इन किताबों का मालिक कौन है, तो आपने अपना जुमला किस तरीके से शुरू किया, Whose से, यानी कि Whose books are these, ये किताबें किसकी हैं। बी सलमास, ए पूछता है ये किताबें किसकी हैं, बी का जवाब देता है सलमास, यानी कि सलमा की हैं। एक और मिसाल पर नज़र डालते हैं। हुज़ फादर इज़ ही, ये किसके फादर हैं। ही इज़ माई फादर, ये मेरे वालिद हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मकसद ये है कि किसका ताल्लुक किससे, यहाँ पर ज़रूरी कोई, यानी कि कोई बेटा अपने बाप का मालिक नहीं बन जाता, यानी कि ताल्लुक ज़ाहिर हो रहा है कि इसका ताल्लुक किससे है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किताबों का मालिक यहाँ पर ज़रूर है कि इस तरीके से पोजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि किताबें किसकी हैं। आप ये दूसरे अल्फाज में ये भी देख सकते हैं कि इन किताबों का ताल्लुक किससे है, इसी तरीके से इस आदमी का ताल्लुक किससे, यानी कि ये वालिद किसका है, तो ही इज़ माई फादर, आप देख सकते हैं कि ये मेरे वालिद है। तो मिल्कियत के लिए या ताल्लुक के लिए कि किसी चीज़ का ताल्लुक किससे है, और आम तौर पे मिल्कियत के लिए कि किसी चीज़ का मालिक कौन है, उसके लिए हम हुज़ का इस्तेमाल होता है, हुज़ का इस्तेमाल करते हैं कि इस चीज़ का ताल्लुक किससे है। अब ये रिश्ते की सूरत में भी हो सकता है या किसी चीज़ की मिल्कियत की सूरत में भी हो सकता है। और इस सबक में से इतना ही। मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स के लिए मेरी वेबसाइट विज़िट कीजिए, और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए इस यूनिट की प्लीज़ विज़िट माई वेबसाइट www.azofenglish.com। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह, इंशाल्लाह अगले यूनिट में आपसे मुलाकात होगी। और अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो बराए मेहरबानी इस ट्यूटोरियल को रेट कीजिए और कमेंट्स ज़रूर लिखा करें, ताकि जो है मुझे पता चले कि आप की राय के बारे में, कि आपकी राय क्या है मेरे ट्यूटोरियल्स के बारे में। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले यूनिट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।